टमाटर की खेती ने मानो गांव के किसानों की तकदीर ही बदल डाले। कभी आर्थिक तंगी के शिकार यहाँ के किसान आज बड़ी संख्या में खरीफ और गर्मा में टमाटर की खेती का लाभ उठा रहे हैं। सरकार भी किसानों को टमाटर की खेती के लिए सहयोग कर रही है। बाजारों में टमाटर की मांग भी काफी है, इसलिए किसानों को बाजार की भी कोई समस्या नहीं है। हमको इस टमाटर आप खेते पर बिक जाता है बढ़िया दाम में। ऐसे बाजार ले जाते थे तो वहाँ पर कुछ आरत खर्चा देते थे, गाड़ी भाड़ा देते थे, जिसके कारण कि कम बेनिफिट होता था। लेकिन अब यहाँ पर पैकार आता है जो कि अच्छा दाम में, यहाँ पर वहाँ आरत खर्चा भी बच जाता है और हमको बहुत बेनिफिट भी हो जाता है। ये टमाटर हम रोज खेत में तोड़ते हैं, कम से कम 10 मन 15 मन 20 मन टमाटर डेली बाई डेली हम तोड़ते हैं। 4 जन लगा हुआ रहता है दिन भर टमाटर तोड़ने के लिए। अभी हमारे गांव में लगभग 20-25 किसान इस खेती के लिए कर रहे हैं और लगभग सभी किसान इस साल भी सफल हो। यह खेती से हमें फायदा यही लगा सर कि बहुत कम भूमि में बहुत ज़्यादा उपज। पहले देहाती टमाटर खरीदे थे तो गाड़ी लोड करते हैं तो एक दिन भी लेट हुआ तो आधा माल खत्म हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है। अब धीरे धीरे रहुआ में हुआ कि हाईब्रिड टमाटर लगने लगा तो रहुआ में आए हम तो पहले थोड़े खरीदा तो एगो गाड़ी भेजे दिल्ली, 15 दिन तक टमाटर कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम रहुआ से हाईब्रिड वाला टमाटर ले जाने लगे, शुरू कर दिए। रहुआ में है कि बहुत टमाटर लगता है, एक जगह टमाटर मिल जाता है, एक गाड़ी लोड करने के लिए भी पुर जाते हैं। किसान लोग तौल उल जाता है, हम सगरे माल ले जाते हैं।